नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बनाम परम पूज्य संत महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी के विचार। एक प्रश्न आपसे जरूर करना चाहेंगे महाराज जी। गीता जी के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता बोलने वाला भगवान अर्जुन को पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने से किस अन्य भगवान की शरण में जाने को कह रहा है? वह परमेश्वर कौन है? श्रीमद् भगवद गीता को लेकर एक बड़ा रहस्यपूर्ण प्रश्न है और ये श्लोक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है गीता का। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन पार्थ तत्र साकार काम शांति स्थानम प्राप्तति शाश्वतम। जिस 18वें अध्याय के 62वें श्लोक की चर्चा आपने की, वो चर्चा इसी श्लोक को लेकर, तम उस परमात्मा की शरण में तू जा, वहां से तुझे परम शांति और मोक्ष मिलेगा उसकी कृपा से। वस्तुतः कोई और परमात्मा नहीं है। हमने पूर्व में भी एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण अपने आप में पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है। तो ये थे स्वामी ज्ञानानंद जी के विचार और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आ गए होए। एक श्री कृष्ण भगत से किसी ने प्रश्न किया कि श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है, वो क्या उत्तर देता है कि श्री कृष्ण अपने ही विषय में कह रहा है, अपने ही शरण में आने को कह रहा है। वो सब इनका कोई ज्ञान है। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन कह रहा है कि मैं आपकी शरण हूं और आपका शिष्य हूं, आप मुझे यथार्थ ज्ञान बताइए, अब मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो श्री कृष्ण की शरण में अर्जुन तो पहले ही था, अब ये कहे कि मेरी शरण में आ जा, अपनी शरण के लिए कह रहा है नहीं कि तीन परमात्मा सरपुरुष अक्षर पुरुष परम अक्षर पुरुष। सुने आत्मा गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने जो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जिन्होंने तत्वदर्शी संत मिल गया, उन्होंने सारे जातम ज्ञान को समझा और सभी कर्मों से परिचित हुआ और वो तत्ब्रह्म से परिचित हुआ, फिर वो जरा और मरण से मुक्ति के लिए ही, छुटकारे के लिए ही वो साधना यत्न करता है, प्रयत्न करता है, उस संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, उस तत्ब्रह्म को जान लेता है। तो यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है जिसके जानकर फिर कुछ किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, जरा और मरण से मोक्ष प्राप्ति ही चाहता है, तो वो किम तत्ब्रह्म। अब गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर देता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञान दाता से अलग है। अब एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष, ये तीन प्रभु हैं। सरपुरुष तो ये काल है। अब यहाँ गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक क्या बताया है कि उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में वर्णन है। यह स्पष्ट किया है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है और जो संत इसके सभी विभाग बता देगा, पत्ते कौन है, जड़ कौन है, तना कौन है,
और डार कौन है, शाखाएं कौन है, पत्ते क्या है। स वेदविद वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर स्वयं आते हैं तत्व ज्ञान को बताने के लिए। आज से लगभग 600 वर्ष पहले वो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जुलाहा कबीर रूप में प्रकट हुए थे। सहशरीर आए थे, कमल के फूल पर शिशु रूप धारण किया था सन 1398 में, और आकर के एक नीरोनीमा नामक जुलाहे निसंतान दंपति उनको वहां से ले गए थे, और धीरे धीरे लीला में बड़े होते रहे। 5 वर्ष की आयु से ही इस ज्ञान का प्रचार प्रारंभ कर दिया था। तो परमेश्वर ने कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र संसार। श्रीमद भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 और श्लोक 16 और 17 में जो विशेष विवरण दिया है उसको समझने के लिए इस संसार रूपी वर्ष को आप देखिएगा, चित्र आसानी से समझ में आएगा। ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष समझो। परमेश्वर ने स्वयं बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सर पुरुष इसके दार समझो, ये काल समझो, काल ब्रह्म समझो, इसको कुछ भी कहो, ये इसके इसी जो पर्यायवाची नाम है सर्वब्रह्म सर्वब्रह्म अर्थात सर्वपुरुष, काल ब्रह्म इसको ब्रह्म सर्वपुरुष भी कहते हैं सर्वपुरुष। ये तो डार समझो इस संसार की वृत्ति, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा जी, सत्वगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये तो शाखाएं हैं और हम यहाँ पात्र रूप समझा। अब इस आशय को समझने के लिए अब ये गुप्त कौन है, ये जड़ कौन है, ये परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, या पूर्ण ब्रह्म या परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, ये गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। तीन भगवान है, एक तो परम अक्षर ब्रह्म यानी परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, ये तो जड़ है पूरे संसार रूपी वृक्ष की, यहीं से सबको उत्पत्ति होती है और यहीं से सबको आहार मिलता, सबका धारण पोषण यही करता। फिर तना जो जमीन से बाहर दिखता है उसको अक्षर पुरुष परब्रह्म भी कहते हैं, अक्षर पुरुष भी कहते हैं, और उसके फिर एक दार है वो सर पुरुष है, ये ब्रह्म है जो गीता बोल रहा है, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये शाखा है और हम पात्र रूप संसार। अब रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये भी कंसेप्ट यहाँ क्लियर होना चाहिए, तब जाकर के हमारे ये हृदय में समावगा ये ज्ञान तत्व ज्ञान, क्योंकि आज तक हमने लोक वेद सुना है, दंत कथा सुनी है, गीता जी का अनुवाद भी हमने गलत पढ़ा है। ये देखिएगा मार्कंडेय पुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी गीता प्रेस गुरुपुर से प्रकाशित है, और इसके ये प्रकाशक मुद्रक गीता प्रेस गुरुपुर, इसके 123 पृष्ठ आप देखिएगा 122-123 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, ये है क्रोक्ष्टू की ने कहा भगवान, ये सारे यही बता रहे हैं। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की तीन अवस्थाएं होती हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु जी हैं। ये ही तीन देवता हैं और ये ही तीन गुण हैं, स्पष्ट हो गया, यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं, रजगुण कहो, सतगुण कहो, तमगुण, ये तीनों देवता कहो या तीनों गुण कहो। और देखिएगा श्रीमद देवी भागवत हिंदी टीका से भाग एक, ये कहाँ से प्रकाशित है, श्री अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम समातम खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई 4। इसके हम तीसरे भाग पर आते हैं, तीसरे स्कंद में, ये देखिएगा अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभ थे, इसके 11 पृष्ठ पाइएगा, ये 11 पृष्ठ पे, और यहाँ देखिएगा अध्याय 5 तीसरा स्कंद इसका 8वां श्लोक। हे माता, शंकर भगवान बोल रहे हैं शिव जी, हे माता यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो
तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रधान किया है, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त क्यों किए, फिर देखिएगा। अब हम संस्कृत पढ़ेंगे, ये सातवां समाप्त हो आठवां श्लोक। यदि दया धर्मना न सदापि के कथम अहम विहित है, शंकर भगवान कह रहे हैं किस प्रकार मैं बना दिया तमोगुण है, तमोगुण है कमल जय कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को आपने रजोगुण संभव क्यों रजोगुण उत्पन्न कर दिया, सो भीत किमो सतोगुण हरि और किस प्रकार आपने विष्णु जी को सतोगुण बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी। और मार्कंडेय पुराण में आपने क्लियर सुन लिया कि यही तीन देवता है आप संपड़ा और यही तीन गुण है रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब श्री मद भगवत गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 को समझना अति आसान हो जाएगा, ये देखिएगा। श्रीमद देवी भागवत जयदाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अध्याय नंबर 15 पंथ दस अध्याय और मंत्र नंबर श्लोक नंबर 1 में आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले ऊर्ध्व मूलम अधय साकम अश्वथम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। ऊपर को जड़ वाला अधय साखम नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी ये अविनाशी पीपल का वृक्ष है और छंदासी यस्य प्रणानी इसके पत्ते जैसे ऊपर को जड़ शाखा और पत्ते आदि जो छंद हैं भाग हैं विभाग हैं ये तम वेद जो इसको जानता है स वेदवित वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिए आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले अध्य शाखम इन्होंने यहां गलत किया है, ब्रह्मारूप शाखा मुख्य शाखा वाले ये गलत किया है, ये अध्य माने नीचे होना चाहिए। देखो यहां इन्होंने इसी के 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में अध्य माने नीचे किया है, अध्य माने नीचे अध्य माने नीचे तो यहां भी अध्य माने अध्य शाखम प्रथम मंत्र में अध्य माने नीचे को शाखा वाला आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले अध्य माने नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष का विनाशी कहते हैं वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष जो साथ जो व्यक्ति मूल सहित तत्व से जानता है जड़ से लेकर पत्तों तक बता देगा स वेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है वो तत्वदर्शी संत है। अब यहां दूसरे में कहा है उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी तीनों शाखाएं हैं विषय विषय पर वाला शाखा विषय विकारों वाली ये तीनों शाखाएं हैं नीचे और ऊपर फैली हुई है सर्वत्र नहीं निगम लिखा है ऊर्ध्व माने ऊपर फैली मनुष्य लोक में कर्मों अनुसार बांधने वाली भी ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश कर्म अनुसार सबको यहाँ बांधे रहते हैं अपने कर्म अनुसार उनको ये सब देते रहते हैं नीचे और ऊपर व्याप्त है नीचे और ऊपर सभी लोकों में नहीं ऊपर ऊपर स्वर्ग लोक में नीचे पाताल में और पृथ्वी तीन लोकों में ये व्याप्त है। अब तीसरे में क्या कहा है कि संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं है नहीं पाया जाता। यहाँ विचार काल माने कि तेरे मेरे इस गीता जी के डिस्कशन में मैं नहीं बता पाऊंगा यहाँ नहीं मैं नहीं बता सकता संसार इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को नहीं बता सकता इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि तत्वदर्शी संत बताएगा न इसका आदि है और न इसका अंत है और न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति है इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम अति दृढ़ मूल वाले ये गलत लिखा है यानी मूल यानी पूर्ण परमात्मा और उसका लोक तो अविनाशी लोक है वो कभी नष्ट नहीं होता इसलिए अति दृढ़ मूल वाले इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को
असंख्य शस्त्र इन्होंने वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, यानी इसको समझ कर, जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके बाद इसको समझ कर। अब चौथा श्लोक 15वें अध्याय का, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौट कर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, और उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। अपने आत्माओं ये स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञान दाता को भी पूर्ण ज्ञान नहीं है, इसने स्पष्ट करके छोड़ दिया कि ऊपर को जड़वाला नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। और गीता के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में बताया कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत बताएगा, गीता ज्ञान दाता उस ज्ञान को नहीं जानता। तो उसके लिए परमात्मा खुद आए थे। आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर ने स्वयं बताया था, अक्सर पुरुष एक पेड़ है नरेंद्र वाकीदार और तीनों देवा शाखा है ये पात्र। अब इसमें यह भी स्पष्ट किया है, गीता ज्ञान दाता कहता है कि तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात इस उलझी हुई गुत्थी को समझ कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते, उनका जन्म मृत्यु कभी नहीं होता, वो है वास्तव में परम गति। जो गीता ज्ञान दाता से कोई और परमेश्वर है और वो संत बताएगा। तो पुण्यात्माओं यहाँ गीता ज्ञान दाता इसलिए गीता के अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में अपनी गति को अनुतमाम अति घटिया कहता है, कति व्यर्थ है, क्योंकि जन्म मृत्यु कहता मेरी भी रहेगी और साधक की भी रहेगी, ब्रह्म लोक में पहुंच जाएगा मेरे ओम नाम के जाप के, और ब्रह्म लोक में गए हुए भी प्राणी फिर वापस जन्म मृत्यु में आते हैं। इसलिए गीता ज्ञान दाता ब्रह्म श्री कृष्ण में बोल रहा है, ये खुद कह रहा है कि मेरी जो साधना है वो अति अनुतम है, व्यर्थ है, वो घटिया है। इसलिए यह गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 में कहा है कि उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद फिर लौट कर साधक कभी वापस नहीं आते, उनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। और कहता है पूर्ण रूप से शक्ति श्रद्धा से उसी की साधना करो, गीता ज्ञान दाता कहता है। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में तीनों पुरुष यानी प्रभुओं की जानकारी है, सर्वपुरुष, अक्षर पुरुष और कर्म अक्षर पुरुष। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 का उत्तर श्लोक नंबर 3 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है, अर्जुन ने पूछा कि किम तत्परम, गीता ज्ञान दाता कहता है वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब सर्वपुरुष तो ये खुद है, अक्षर पुरुष ये समझो तना, और तने का आगे एक मोटी डार निकलती है वो सर्वपुरुष, आगे तीनों देवा शाखा रज गुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी, और मूल भगवान जो है परम अक्षर ब्रह्म है जिससे सबका धारण पोषण होता है। गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में तीन पुरुषों की, तीन प्रभुओं की जानकारी है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर यहाँ 16 देखिए, श्रीमद् भगवद गीता, दिवौ इमौ पुरुषौ लोके सर च अक्षर है एव च हर सर्वाणी भूतानि कटुस्त अक्षर उचते। इस लोक में पृथ्वी वाले लोक बोले जाते हैं, जो 7 संघ ब्रह्मांड इसके अक्षर पुरुष के और 21 ब्रह्मांड सर्व पुरुष के। इससे पहले थोड़ा चित्र दिखाते हैं आपको, अब देखिएगा ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है, इसमें क्या व्यवस्था है देखिएगा। ये नीचे के 7 पाताल आदि ये 7 लोक है, और ये पृथ्वी लोक है, ये शिव जी का लोक, ये ब्रह्मा जी का लोक, ये विष्णु जी का अपनी राजधानी है, ये स्वर्ग लोक और नरक लोक, ये धर्मराय का लोक है, ये एक मानसरोवर है यहाँ पर, और ये है वो ब्रह्म लोक, ये इतना ब्रह्म लोक है। अब जैसे जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं इस कोमन स्वर्ग में जाते हैं, इस स्वर्ग लोक में आ जाते हैं,
और ये तो बहुत शीघ्र ही इनका पतन हो जाता है। जो ब्रह्म की साधना सर्वपुरुष की करते हैं वो यहाँ इस ब्रह्म लोक में पहुंच जाते हैं। इसने यहाँ तीन नकली स्थान बना रखे, महेंद्र का द्वीप, नकली सतलोक, नकली अलकलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक, ये सारा ब्रह्म लोक कहलाता है इतना। ये देखिए, और ये स्वयं इसने तीन गुप्त स्थान बना रखे हैं। एक स्थान पर यह स्वयं ब्रह्मा जी का रूप धारण करके रहता है और दुर्गा इसकी पत्नी है, उसको ये सावित्री रूप में रखता है। ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र है, ये एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र है जिसमें यह स्वयं विष्णु रूप धारण करके रहता है और दुर्गा को लक्ष्मी रूप धारण करा के यहाँ रहता है। जब तक ये इसमें रहते हैं उन इनके दोनों के सृष्टि क्रम से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम विष्णु रख देते हैं, वो ऑटोमेटिकली सत्वगुण हो जाता है। और जब ये ब्रह्मा के रूप में रहता है रजोगुण प्रधान क्षेत्र में, तो इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको इसी स्वरूप का उत्पन्न हो जाता है, उसको ऑटोमेटिकली रजगुण युक्त हो जाता है। और यही काल ये सर्वपुरुष वह तीसरे तमोगुण प्रधान क्षेत्र में रहता है, दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है, स्वयं ये इस वेशभूषा में रहता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक तमोगुण हो जाता है और उसका नाम ये शिव रख देते हैं। विष्णु सतोगुण से उत्पन्न पुत्र को विष्णु नाम रख देते हैं और इस एक क्षेत्र में जो उत्पन्न होता है उसको ब्रह्मा नाम रख देते हैं, वो रजोगुण युक्त हो जाता है। तो ये एक ब्रह्मांड है, ऐसा एक ब्रह्मांड है। ऐसे 21 ब्रह्मांड का स्वामी ये काल है सर्वपुरुष। ये देखिए, ये काल के 21 ब्रह्मांड, ये सर्वपुरुष भी कहते हैं इसको। अब जो आपने एक ब्रह्मांड ये देखा था पूरा, ये समझो अब ये एक गेंद सी होगी गेंद। तो इसने 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बना रखे, ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांड बना रखे, इसमें 20 ब्रह्मांडों को रोका हुआ है और ये 21वां इसने अलग से अपनी राजधानी बना रखी। इस प्रकार ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और ब्रह्मा विष्णु महेश जी तो केवल इन तीन लोकों में, इस पाताल लोक पर, इस पृथ्वी लोक पर और इस स्वर्ग लोक पर एक एक विभाग के स्वामी है। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी और तमगुण विभाग के शिव जी, ये केवल एक ब्रह्मांड में इन तीन लोकों पर एक एक विभाग के अधिपति हैं बस। और ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड हैं इस काल के। अब ब्रह्मा विष्णु में इसकी स्थिति से आप परिचित हो जाओगे। और ये है, अब ये असंग ब्रह्मांड का मालिक, ये पूरी स्थिति आप इससे समझेंगे तीनों भगवानों की। ये देखिएगा, सर्वपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, ये 21 ब्रह्मांड हैं जो अभी आपने देखे थे। अब ये इस अतिथि में आ गए हैं, ये तो सर्वपुरुष यानी काल ब्रह्म के हैं 21 ब्रह्मांड, और ये 7 संख ब्रह्मांड हैं, 7 संख ब्रह्मांड ये परम, ये अक्षर पुरुष के या पर ब्रह्म कहो तो अक्षर पुरुष को, ये वाले ये अलग से दिखाई देती है। और ये पूरे असंग ब्रह्मांड का कुल मालिक, इन पे भी उन सबका जो मालिक है वो परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव है। ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये सबका स्वामी, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूरा देखे। अब ये तीन भगवान समझवाओगे, सर्वपुरुष, अक्षर पुरुष, ये इतनी सीमा अक्षर पुरुष की, ये सर्वपुरुष की और ये परम अक्षर पुरुष की, यानी पूर्ण ब्रह्मा अपना आत्मा। ये है यह अध्यात्म ज्ञान और ये है गीता जी का ज्ञान। अभी तक ये द्वंद कथा सुना रही है हमारे को, इनको कैसे का नहीं पता गीता जी के ज्ञान का। अब इसमें स्पष्ट क्रिया है कि 15वें अध्याय के 16 और 17 में तीन प्रभु स्पष्ट लिखे, एक सर्वपुरुष, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये काल है जो गीता बोल रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके, और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, और तीसरा जो परम अक्षर ब्रह्म है उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा की उदाहरते है। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 का अब श्लोक नंबर ये 16,
पंद्रहवें अध्याय का 16। दिवउ इमौ पुरुषौ लोके सरह से अक्षर एव से सरह सर्वाणी भूतानी कटुष्ट अक्षर उच्चते। इन्हीं इस पृथ्वी वाले लोक में दो परमात्मा सुप्रसिद्ध हैं, एक सरपुरुष और एक अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष तो तना है, सरपुरुष ये संसार रूपी वृक्ष की एक मोटी डार है। दिवउ इमौ पुरुषौ लोके सरह से अक्षर, इन दोनों सर अक्षर पुरुष के जो लोक हैं, ये दो भगवान हैं इस लोक में, और इनके और इनके जितने इनके अंतर्गत प्राणी हैं उनके सथूल शरीर तो नाशवान है, सब प्राणी नाशवान है, जीव आत्मा आत्मा सद की अमर है। यहाँ देखिएगा, अब देखिएगा अध्याय नंबर 15 का हम 16वां श्लोक इन्हीं के अनुवाद सुनाते हैं। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं, प्रभु हैं, दो प्रकार स्वामी हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अभी 17वें में कहा है उत्तम पुरुष है तो अन्य, उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है ये लोक चरम अविशिवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा सही वास्तविक भगवान तो इन दोनों से, इस सरपुरुष और अक्षर पुरुष से भी कोई अन्य है और है। 17वां स्पष्ट कर रहा है और उसको भगवान कहते हैं, वो परमात्मा कहलाता है। यह लोक चरण अवश्य वृत्ति जो तीनों लोक को प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वो अवैश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। अब पूरी आत्मा ये स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञान दाता से अन्य और सुप्रीम पावर है वो परम अक्षर ब्रह्म जो है, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो मूल यानी जड़ उल्टा लटके संसार रूपी वृक्ष के जो ऊपर जड़ है वो जड़ मूल रूपी परमात्मा है और वही पूजा के योग्य है, उसी की पूजा करनी चाहिए। अब फिर देखिएगा एक व्यक्ति तरफ आसानी से समझ में आएगा, ये पूरा संसार रूपी वृक्ष देखो ऊपर को ऊर्ध्व मूलम अध शाखम, ऊपर को जड़ मूल परमात्मा रूपी जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। गीता ज्ञानदाता ने केवल इतना ही बताया, ऊपर को तो जड़ है वो समझो पूर्ण परमात्मा है और नीचे तीन गुण रूपी शाखा है। इन बाकी के बारे में बताया कि पूर्ण रूप से जानकारी मैं नहीं जानता, तत्वदर्शी संत बताएंगे। और गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा कि इस सारे विभागों को, इस पूरे संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी स्वयं आकर के 600 वर्ष पहले हमें बता कर गए थे, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन, सर पुरुष को काल निरंजन भी कहते हैं, ये काल निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा है पांच रोशन। इस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान हमें दे रखा था, जिस आधार से पवित्र गीता जी भी समझ में आ रही है और पवित्र गीता जी ने भी इसको सेकंड कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि तीन परमात्मा सर पुरुष, ये अक्षर पुरुष, ये परम अक्षर पुरुष, ये परम अक्षर पुरुष। अपने आत्मा प्रश्न चल रहा है कि गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से अन्य है। गीता ज्ञान श्री कृष्ण नहीं दे रहे, श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये ब्रह्म काल दे रहा है और यही विष्णु रूप धारण कर लेता है, ये कभी शिव रूप धारण कर लेता है, कभी ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है और जनता भ्रम में पड़ जाते हैं साधक के ये विष्णु सतोगुण विष्णु भगवान ही पूर्ण परमात्मा है, लेकिन ये होता है काल। अब देखिए विष्णु पुराण में एक और प्रमाण देते हैं, श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, इसके प्रथम अंश अध्याय 22 और ये प्रश्न नंबर 102 श्री विष्णु पुराण और 58वां श्लोक स्पष्ट कर रहे हैं। प्रथम अंश अध्याय 22 और श्लोक 58, हे ब्रह्मन, ब्रह्मा विष्णु और शिव ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं, उसे नौन देवगण है, यानी ब्रह्म ब्रह्मा विष्णु शिव से ब्रह्म अलग है, ये काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है
कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदन देहं सयाति परमानंद। मुद ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, नथी नलसी, यह एक ओम अक्षर है और इसका उच्चारण करके स्मरण करता हुआ यह प्रयाति तदन देहं सयाति परमानंद। मेरे से यानी ब्रह्म से ओम नाम के जाप से मिलने वाली गति जो ब्रह्म लोक है वो इससे प्राप्त होगी। आपको बता दिया अध्याय नंबर 8 के गीता जी के मंत्र 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्म लोक पर्यंत भी प्राणी सभी जन्म मृत्यु में आते हैं पुनरावर्ती में। यानी इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता ने अपनी परम गति को, अपनी गति को भी अनुतम कहा है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4, 16-17 और अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता किसी अन्य परमात्मा की साधना करने को जोर दे रहा है और कह रहा है कि उसकी साधना करने से ही तेरा परम गति होगी, पूर्ण मोक्ष होगा, फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। अब गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने जो प्रश्न किया कि आप जी ने 7वें अध्याय के गीता जी के 29 मंत्र में श्लोक में कहा है कि उस तत्ब्रह्म को जानकर, सारे ज्ञातम को जानकर, पूरे उस कर्म से प्रीतित होकर प्राणी केवल जरा और मरण से, बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करता है। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, उसका उत्तर दिया 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो जड़ रूपी भगवान है, उसी की पूजा करने से कभी जन्म मृत्यु नहीं होगा। अब गीता के अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है अपनी साधना के, मेरी साधना कर, मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा, तो युद्ध भी कर और मेरी शरण में रहना है, तो मेरा ओम नाम है और मेरी भक्ति कर। फिर गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के विषय में बताया है कि उसकी साधना करनी है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, दिव्य पुरुष है, उसकी साधना करने वाला प्राणी उस परमेश्वर के पास चला जाता है। और उसका क्या मंत्र है, गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है ओम तत् सत इति निर्देश है, ब्रह्म ने त्रिविध समर्पता है, ब्रह्म ने माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, त्रिविध माने तीन प्रकार से स्मरण करने का, इस ओम तत् सत इस तीन मंत्र के जाप का निर्देश है। निर्देश माने नथिंग एल्स, और कोई मंत्र नहीं है। अब यहाँ ओम तो ब्रह्म का सर्वपुरुष का मंत्र है, तत् अंडरस्टूड है, इसने क्लियर कर रखा है, और तत् ये अक्षर पुरुष का, और सत है ये परम अक्षर पुरुष का, परम अक्षर ब्रह्म का। तत् ये गुप्त है, सांकेतिक है, और सत भी सांकेतिक है, ओम ओपन सार्वजनिक है। इसलिए गीता ज्ञानदाता ने ऑप्शन छोड़ रखा है चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस ज्ञान को जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्म ने मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से जो उच्चारित ज्ञान है, उस तत्व परमात्मा ने स्वयं आकर बोला हुआ कबीर वाणी में जो ज्ञान है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो तत्वदर्शी संत उस परमात्म तत्व का तुझे ज्ञान बताएंगे। तो ये तीन मंत्र के जाप का जो कोड वर्ड है, ओम को छोड़कर तत्व और सत्व, ये कोड वर्ड है, ये गुप्त सांकेतिक शब्द है, ये दास बताएगा। इस दास के अतिरिक्त 21 ब्रह्मांड में आज किसी के पास ये राज नहीं है। परमेश्वर कबीर देव ने, पूर्ण परमेश्वर ने, परमेश्वर ब्रह्म ने इस दास को ये ज्ञान दिया हुआ है और ये मंत्र दिए हैं। तो यहाँ बताया कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने से पूर्ण मोक्ष होगा और फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी, उसका तीन मंत्र के जाप का निर्देश है, उसको पाने का, उसकी प्राप्ति का मंत्र है ये। यानी इस साधना से वो मिलेगा, ओम ब्रह्म का जाप है और तत् ये सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष यानी अक्षर ब्रह्म का, और सत्य भी सांकेतिक है परम अक्षर ब्रह्म का, उस परम अक्षर पुरुष का। इन तीनों का अलग तीन प्रकार से इनकी साधना होती है, त्रिविध समर्थ है, तीन प्रकार से इसका सिमरण होता है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 में कहा कि उस तत्वदर्शी संत मिल जाए, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए
जहां जाने के बाद फिर साधक लौट के फिर कभी संसार में नहीं आता, और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है और मैं भी उसी की शरण हूँ, उसी की पूजा करनी चाहिए। अब गीता ज्ञानदाता चौथे अध्याय के पांचवें श्लोक में और नौवें में दूसरे अध्याय के बारहवें श्लोक में कहता है कि मेरे भी जन्म मृत्यु होती है और तेरे भी होते हैं। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कर तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तो परम शांति और शाश्वतम स्थानम सनातन परम धाम को उस रित धाम को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर लौट कर संसार में कभी नहीं आते, वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमृत ये प्रयाति तदंदेहम सयाति प्रमाम गति। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, और जो इसका श्रवण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो ओम से मिलने वाली जो राह उस परम गति को प्राप्त होता है। फिर आठवें जाय के 5 और 7 में तो अपनी पूजा के लिए बताया कि मेरी पूजा कर, ओम नाम का जाप कर, मुझे प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म के विषय बताया है कि उसकी पूजा करेगा तो उसी को प्राप्त होगा। उसका मंत्र क्या है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि उस सचिदानंद घन ब्रह्म के पाने का, उसके सतलोक में जाने का, अमर पद प्राप्त करने का मंत्र ओम तत् सत, इस 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, नथी गए। और ओम सीधा ही ब्रह्म का है, इसको सर पुरुष भी कहते हैं, और तत् ये अक्षर पुरुष का है, और सत ये परम अक्षर पुरुष का है, परम अक्षर ब्रह्म का है। तो ओम तो सीधा ही है, तत् और सत ये सांकेतिक है। उसके जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन तू उस तत्व ज्ञान को, जो अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया वो तत्व ज्ञान, उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इसे से देखिए गीता ज्ञान दाता भी इनकम्प्लीट ज्ञान रखता है, उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की विधि उसके पास नहीं है, उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि तू तत्वदर्शी संतों की खोज कर और वो ज्ञान देंगे, विनम्र होकर उनसे वो ज्ञान पूछ। उसका पहचान बता दी गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में, जो स्कूल के लटके संसार रूपी वृक्ष के जो विभाग बता देगा सवेदविक, और गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस तत्व ब्रह्म की शरण में जा, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जो कभी नाश में नहीं आता, जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते। वहां जाने के लिए आपने क्या करना होगा, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने कि सर्वधर्मान परितज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भा मोक्षामि मा शुचे। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू अगर उस परमात्मा की शरण में जाना है ना, तो मेरे सतर के जितने भी धार्मिक पूजाएं हैं, सर्वधर्मान परितज माम मेरे सतर के ओम नाम के जाप की जो कमाई है वो मुझे छोड़ दे। हम पहले क्या करते थे, ओम नाम के जाप की कमाई ब्रह्मलोक में जाकर समाप्त कराते थे, फिर यहीं से जन्म मृत्यु में रहते थे, क्योंकि ओम ब्रह्म का जाप है और ब्रह्म की जाप से जन्म मृत्यु कभी नष्ट नहीं होती। यो विनाशवान है, इसकी भी मृत्यु होती है और साधक की भी मृत्यु होती है। तो अब हम इसकी ब्रह्मलोक में इसका प्रतिफल नहीं लेंगे ओम नाम का। अब ये कहता तूने वहां जाना उस परम अक्षर ब्रह्म के पास, सनातन परम धाम में जाना, तो मेरे सतर ओम नाम की कमाई मुझे छोड़कर एकम शरणम व्रज जिसके बराबर दूसरा ना हो अद्वितीय परमात्मा उसकी शरण में जा, तब मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। क्योंकि हम पापों का घर पर आगे देखो तेज सूर बन रहे हैं, जब हम इसका कोई लेना देना हमारा इनका रहेगा नहीं, तो हमारे पे मांगे क्या। अब यहां सभी अनुवादकर्ताओं ने बट्ठा बठा रखे, सभी ने कहा कि वर्ज माने आ जा आना, जबकि वर्ज माने जाना होता है। पहले शब्द को से क्लियर करते हैं। अब देखिएगा संस्कृत हिंदी को
वामन शिवराम आपके द्वारा इसका संग्रह किया गया है और ये है मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से प्रकाशित है। इसके 993 पृष्ठ पर वर्ग माने जाना चलना प्रगति करना विदा होना ये सारा है निर्वासित होना। वर्ग माने जाना आना नहीं होता, गो माने जाना है तो उसका अर्थ आना हो ही नहीं सकता, एक सीधी सी बात है। इंग्लिश वर्ड है गो, उसका अर्थ होता है जाना, उसका अर्थ कम नहीं हो सकता। अगर कोई कम करता है तो उसने कोई ज्ञान नहीं, वर्ग माने जाना है तो उसका आना जिसने किया है उनको कति ज्ञान नहीं, उन्हें अनर्थ कर दिया। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता के अनुवादकर्ताओं की कलाबाजी, ये देखिए जयदयाल गोविंद का गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ये 18वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता 18वां अध्याय और ये 66वां श्लोक, इसमें वर्ग शब्द स्पष्ट है। सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शोचनीयः। क्या अर्थ किया इन्होंने, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक, मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा, वर्ग माने आ जा। अरे वाह, ये आपने देख लिया गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर कहा करते हैं, पाखंडी की पूजा जगम संत ने कहे लबाड़े। कबीर परमेश्वर को तो कहते ये तो अनपढ़ था, किसी अनपढ़ आया को नहीं है, पंडिता दो रहा घूमिया, ये पंडिता ने काट रहा की टाट ये कर दिया गहरे नाश कर रहा ख्याल रथ कर दिए। पर परमेश्वर ने 600 साल पहले ये बता रखी सारी कहानी, कति यथार्थ रूप दे रखे मालिक ने कबीर वाणी में, सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये यथार्थ ज्ञान दे रखा है। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो या सब उल्टा व्यवहार, कह कबीर सुनो भाई साधो या सब उल्टा व्यवहार। सचों को तो ये झूठा बताए, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार। गुणात्मा आप देख रहे हो, अब कबीर परमेश्वर कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब कट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी, इस एक का कुएं का पानी पी रहे सारा भांग वाली, और उसी तरह चल रहे हैं। वर्धमाने नौका आ जा, वर्धमाने जाना होता है, गोमीन जाना है, उसका कम अर्थ कैसे कर दिया आज तक आंख नहीं खुली। लगभग 5500 वर्ष हो गए इस गीता जी के को लिखे हुए, आज तक ये कह नहीं समझ सके इस गीता जी ने क्या लिखा है। इसमें तीन परमात्मा स्पष्ट है और जो परम अक्षर ब्रह्म है उसी की पूजा से पूर्ण मोक्ष होगा। वो तीन मंत्र का जाप है, ओम तत्सत सीधा नहीं है, ओम तो डायरेक्ट है, तत् और सत संकेत जी कहेंगे दास बताओगा, इस दास के अतिरिक्त किसी के पास ये मंत्र नहीं है और मोक्ष हो ही नहीं सकता इस मंत्र के बताए बिना, और दास ही अधिकारी है, इस पक्षियों को अधिकारी वर्तमान में है भी नहीं।